अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। रोहिणी महिला मंडल द्वारा रोहिणी धार्मिक सभा के तत्वाधान में खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों ने श्याम बाबा का गुणगान किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्याम भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। फाउंडर मेंबर रोहिणी महिला मंडल से सबसे पहले सबको श्री राधे श्याम बोलते हैं और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और सारे मेरे आज हमारा सेकेंड इवेंट है रोहिणी महिला मंडल का, जो कि आज रोहिणी धार्मिक सभा के तत्वाधान में हो रहा है और मेरी सारी कोर कमेटी ने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरी महिला मंडल की कोर कमेटी की टीम भी, वो भी सब साथ मिलकर के हम ये आयोजन कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता ढिंगरा है, मैं रोहिणी महिला मंडल की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और आप लोग देख रहे हो हमें श्याम बाबा का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें काफी सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं और हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है इसको कैरी करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लग गए हैं और काफी लोग यहाँ आके बाबा के आनंद का कीर्तन का आनंद एंजॉय कर रहे हैं। हमारी संस्था जो काम करती है वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल का, गरीब जितने लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलवाती है और जिनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपनी प्रॉब्लम यहाँ लेके आ सकते हैं, हम लोग उनका सॉल्यूशन करते हैं। और जो लेडीज अभी जिंदगी में किसी कोई काम नहीं करा हुआ उनको भी हम काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा नाम अंशिका गोयल है, मैं इस संस्था से अभी जुड़ी हूँ और इस संस्था की मैं सेक्रेटरी हूँ और आज हमने बाबा का कीर्तन रखवाया है अपने महिला मंडल की ओर से ताकि लोग आए और बाबा का आशीर्वाद उन सबके ऊपर आए। मैं आशा चावला महिला मंडल ग्रुप से कोर कमेटी की पर्सन बोल रही हूँ और हमने बाबा का कार्यक्रम रखवाया है, मैं सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ और आप आओ और अपना बाबा के कीर्तन का आनंद उठाएं। मेरा नाम विभाग है और मैं रोहिणी महिला मंडल में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हूँ। आज हम सारे यहाँ खाटू श्याम जी का कीर्तन और रोहिणी महिला मंडल का सेकेंड इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं चाहूंगी कि आप सब बाबा की हाजिरी दे और इसमें ज्यादा से ज्यादा बाबा का आशीर्वाद दे और हमारे इस रोहिणी महिला मंडल को और भी बड़ा और सक्सेस बनाने में हमारा सबका सहयोग दे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और ये हमारा महिला मंडल का दूसरा इवेंट है और बाबा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। जय श्री श्याम। ये रामलीला यहाँ पे कल से शुरू है 29 तारीख से और उत्साह तो बनी रहे, जैसे जब बाबा की कृपा बरसती है तो उत्साह तो अपने आप ही बरसने लग जाता है। मेरा नाम प्रीति गोयल है और महिला मंडल का ये सेकंड इवेंट आयोजित किया गया है, श्याम बाबा का कीर्तन आयोजित किया गया है और दूर दूर से काफी पब्लिक आई है और हमारा महिला मंडल इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हमारी संस्था महिलाओं के लिए हर तरह का काम करती है, उनकी हेल्प के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए और उनके प्रोग्राम के लिए। सेल्फ कमल मोगा, सबसे पहले तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सल्यूट करना चाहूंगी, जो आज आपने प्रूफ देख ही लिया होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। महिला मंडल की तरफ से आज हमारा सेकंड इवेंट प्रस्तुत किया गया है जिसके अंदर श्याम बाबा की चौकी की गई है और आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही बहुत सारी वुमेन्स को अपने साथ जोड़ेंगे और अपने वुमेन जो पावर है उसको हम आगे लेकर आएंगे और आगे बहुत से हमारे इवेंट्स आते रहेंगे। मैं सोनिया ब्रह्मी चेयरपर्सन महिला मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज महिला मंडल का हमारा द्वितीय प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, श्याम बाबा की हाजिरी लगाने के लिए सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आगे भी इसी तरह निरंतर और अच्छे अच्छे कार्यक्रम अपनी महिलाओं के लिए प्रस्तुत करेंगे। जय श्री खाटू श्याम बाबा की। मैं मोनिका महेश्वरी कलाकारी क्रिएशन से और बहुत अच्छा लग रहा है महिला मंडल रोहिणी से जुड़कर और आज इस खाटू श्याम बाबा के कीर्तन में आकर बहुत अच्छा लगता है। मातृशक्ति द्वारा जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वो भी दिल्ली जैसे शहर में, मैं राजस्थान से हूँ और खाटू श्याम बाबा भी हमारे राजस्थान में है और आज दिल्ली में उनका कीर्तन अटेंड करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जय खाटू श्याम बाबा की। मेरा नाम आशा सिंगला है, मैं महिला मंडल की
मैं कैशियर के पोस्ट से हूँ और आज हमारे बाबा की कृपा से आज हमने ये बाबा अपना सेकंड इवेंट रखा है और उसमें हमने बाबा जी का निमंत्रण दिया और बाबा जी आए और मतलब सबने बहुत इंजॉय किया और हम चाहते हैं ये महिला मंडल बहुत दिन दुगनी रात चौगनी करे। मैं कविता जैन श्री श्याम दीवानी सखी महिला मंडल की संस्थापिका, बाबा की दया हुई, बाबा की कृपा हुई, बाबा के आदेश से ये कृपा ये मंडल महिलाओं का मंडल पहली बार बना है। मेरा मकसद ये है कि सभी महिलाओं को एकजुट करना और जिन महिलाओं के घर कीर्तन नहीं पहुंच पाता, जिनके घर करने वाले नहीं होते, हम चाहते हैं कि उन महिलाओं को विशेष तौर पर उनके घर बाबा की दरबार लेके जाए और वहाँ पर कीर्तन करें और बाबा की ज्योत घर घर पहुँचे। यही मेरी इच्छा है और यही बाबा का भी इच्छा है कि बाबा अपने भक्तों को सबके बीच में रहना चाहते हैं। सब महिलाओं को जोड़कर मैं एक संदेश सबके बीच में पहुंचाना चाहती हूं कि बाबा सबका है, बाबा लेडीज का भी है, बाबा सबकी मनोकामना इच्छा पूर्ण करे, यही मेरी इच्छा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।